नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ही आएगा, सात खातम नबीन लिखा जाएगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की गवाही अल्लाह, बुजुर्ग बरतर आदम अलैहि सलाम की पैदाइश से भी जब अभी तक कोई एक नबी भी नहीं आया वो गवाही दे रहे हैं। मेरे बाद बहुत से ऐसे झूठे नबी आएंगे जो नबूवत का दावा करेंगे, लेकिन कि अल्लाह कहता है कोई रसूल नहीं आएगा, आप आखिरी रसूल हैं, और अल्लाह के हबीब कहते हैं मैं आखिरी नबी, तो नबूवत का भी दरवाजा बंद, रसालत का भी दरवाजा बंद। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इस ऐवान को ये एजाज हासिल है कि आज से कम उबेश 50 साल पहले जब फितना कादिनियत अपने उरूज पे थी, उस जमाने में इस ऐवान ने जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की क्यादत में, जिस जमाने में मुफ्ती महमूद साहब भी इस ऐवान का हिस्सा हुआ करते थे और जैद उलमा भी और हम जैसे आम सियासतदान भी और उस वक्त के नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज भी, एक कानून पास हुआ और अल्लाह के करम से उसके बाद उस कानून में कादियानियत को और कादियानियों को नॉन मुस्लिम इनकी गैर मुस्लिम करार दिया गया, और फिर इस ऐवान को तकरीबन 50 साल बाद फिर यह एजाज हासिल हुआ कि बिल्कुल यूनानिमस, मुझे याद है वहां बहिसियत पार्लिमानी उमूर में खड़ा था और यहां से जमीयत उलमाए इस्लाम जमात इस्लामी के हमारे चतराल से मेंबर होते थे और MQM के हमारे भाई हमारे साथ गवर्नमेंट में थे, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और हमारे नॉन मुस्लिम्स भी जो यहां मौजूद थे। यूनानिमस रेजोल्यूशन पास हुई खातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसहबिहि वसल्लम की, और उसके बाद ये एक फैसला हो गया कि पाकिस्तान में जितने जनाब स्पीकर साहब दरसी कुतुब हैं या ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, वहां जहां भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ही आएगा, सात खातम नबीन लिखा जाएगा। और हमें बड़ी खुशी होती है जब हमारे प्राइमरी स्कूलों में, हमारे मॉडर्न एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में हमारे बच्चे जब दरसी कुतुब वो खोलते हैं तो वहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ खातम नबीन लिखा होता है। ये इस ऐवान का मुश्तरक एक एजाज था जो आज से चंद साल पहले अल्लाह ने हमें नसीब किया, अल्लाह के 100 नामों के नीचे ये जो फैसला आया है, इसके हवाले से मैं सूरह अहज़ाब की आयत जो हामिद रजा साहब ने भी पढ़ी मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगा कि मा कान मुहम्मदन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीयीन व कान अल्लाह बिकुल शयइन अलीमा। ये बच्चों के लिए है कि वो इसको याद कर लीजिए कि अल्लाह ताला गवाही दे रहा है, अल्लाह ताला अपने कुरान अजीम शान में गवाही दे रहा है कि जब अभी आदम की तखलीक नहीं हुई, क्योंकि कुरान लोहे महफूज में आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक से 4000 साल पहले मौजूद था, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की गवाही अल्लाह, बुजुर्ग बरतर आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी जब अभी तक कोई एक नबी भी नहीं आया वो गवाही दे रहे हैं, और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी हदीस का मफहूम है अबू दाऊद में हदीस नंबर 42-52 और तिर्मिजी शरीफ में हदीस नंबर 22-19, और दोनों का मफहूम यह है कि मेरे बाद बहुत से ऐसे, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कमी बेशी अल्लाह माफ करे, मेरे बाद बहुत से ऐसे झूठे नबी आएंगे जो नबूवत का दावा करेंगे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अना खातमुन नबी ला नबी अबादी, कि मैं आखिरी नबी हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो साबित हुआ कि अल्लाह कहता है कोई रसूल नहीं आएगा, आप आखिरी रसूल हैं, और अल्लाह के हबीब कहते हैं मैं आखिरी नबी, तो नबूवत का भी दरवाजा बंद, रसालत का भी दरवाजा बंद। और उसके ऊपर मोहर तस्दीक शब्द की 25 करोड़ अवाम ने अल्लाह के 100 नामों के नीचे सहबान के जरिए आर्टिकल 260, बड़ी लंबी तफसील है, टाइम जाया हो जाएगा, उसमें यह क्लियर है कि जब तक आप हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातम नबीन की खत्म नबूवत पे यकीन नहीं रखते आप मुसलमान नहीं हो सकते, और अब हमें उसकी हिफाजत करनी है, और उसके साथ साथ कुरान अजीम शान की भी। अल्लाह ताला ने खुद इसका बीड़ा उठाया है, ये कोई भूल जाए कि हम खत्म नबूवत या कुरान की हिफाजत करेंगे वो अल्लाह करेगा, लेकिन हमने अपना किरदार अदा करना है। मैं समझता हूं कि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, छोटा मोटा वकील हूं, मेरे ख्याल में इस ऐवान को पुरजोर मुतालबा करना चाहिए अपनी सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट में भी हमसे ज्यादा गुलामान रसूल मौजूद हैं, उनको हमसे ज्यादा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है और उनकी खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए हमसे ज्यादा कुर्बानी के लिए तैयार होंगे, लेकिन इस
फैसले से इबहाम पैदा हुआ है, इसलिए जरूरत इस अमर की है जनाब स्पीकर साहब कि जिस तरह मेरे मोहतरम हनीफ अब्बासी भाई ने बात की है और जिस तरह हामिद रजा साहब साहबजादा साहब ने गुफ्तगू फरमाई है और जिस तरह लॉ मिनिस्टर साहब ने बात की है, मैं भी इन तमाम बातों को सेकंड करता हूं। सबसे पहली बात तो तरीके साफ की तरफ से ये कहना चाहता हूं, किसी भी सूरत में रियासत के अलावा हकूमत के अलावा किसी को सजा देने का हक नहीं है। अगर एक शख्स किसी गुनाह का मुर्तकिब होता है, जुर्म का मुर्तकिब होता है, उसको पकड़ना, उसको सजा देना हुकूमत पाकिस्तान का उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन उसको उसकी जिम्मेदारी याद दिलाना इस ऐवान का काम है। और एक आखिरी बात और जनाबे स्पीकर साहब, अगर चौक में कोई कत्ल खुदा न खास्ता हो जाए, उस पर 302 लगती है, क्या ऐसा हो सकता है कि हम ये कहें कि नहीं चार दीवारी के अंदर हो जाए तो फिर ठीक है? नो, अगर चौक पे कत्ल कत्ल है तो चार दीवारी में कत्ल है। और सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा जुल्म इस कायनात में अगर हो सकता है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत से इनकार और कुरान में तहरीफ की कोशिश है। जो ये कोशिश करेगा, ये ऐवान, ये 25 करोड़ अवाम उन हाथों को तोड़ मरोड़ के फेंक देंगे इससे पहले कि अवाम निकले, इससे पहले कि अवाम निकले और वो खुद इंसाफ करे। हम ये मुतालबा करते हैं पुरजोर कि हुकूमत पाकिस्तान इसमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, सुप्रीम कोर्ट इसमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन जाता रहेगा। मेरी दरखास्त है कि इस इशू को आप इसके लिए स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी बनाइए, उसमें सेनेट से मोहतरम मेंबरान को लाइए, उलमाए कराम को बैठाइए, हमें मौका दीजिए और वो पार्लियामेंट्री कमेटी तब तक अपनी मीटिंग्स करती रहे और तब तक वो कमेटी अपनी ड्यूटी करती रहे जब तक सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले पे नजरसानी नहीं कर लेता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कादिर पटेल साहब।